हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। सर्वोची क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था, सब बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्या है आज का क्वेश्चन? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वॉल्यूम ऑफ ए सेल इंक्रीजेस। इनमें से कौन से सॉल्यूशन में सेल को रखने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है? एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है हाइपोटोनिक, बी आइसोटोपिक। यहाँ आइसोटोपिक के बजाय आइसोटोनिक खाना चाहिए था बच्चों वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। सी हाइपरटोनिक एंड डी सुपरटोनिक। ठीक है बच्चों, ऑप्शन हमने पता है, आंसर भी हमें पता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए में क्या होता है बच्चों? हाइपोटोनिक में क्या होता है? वॉटर कंटेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू दिस सेल। ठीक है, तो क्या होता है जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है, तो जो बाहर का जो वॉटर है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिससे कि सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें वॉटर जो लेवल है वो सेम रहता है अंदर भी और बाहर भी। इसी तरह हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है उसमें बाहर का जो वॉटर कंटेंट है एज कंपेयर टू दी सेल वो कम होता है। ठीक है, इसमें जो वॉटर फ्लो है वो अंदर से सेल के अंदर की तरफ से बाहर की तरफ होता है। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है सर्वोची क्लासेस की, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम नजदीक आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।